यहाँ से आप ऐड करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, जो चाहे करें अपनी स्टेटमेंट के लिए, जो चाहे आप यूज करें। जैसे उसने की एग्जांपल दी है, उसने क्या किया, सैलरी के अंदर क्या ऐड किया, 300 ऐड कर दिया। अगर आप एलियस नहीं देंगे आगे तो एज इट इज, जैसे कॉलम, जैसे ये, इसको एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। यानी कि कॉलम के साथ प्लस 100 हो गया तो ये क्या बने, एक्सप्रेशन बन गया। तो उसने एज इट इज एलियस दिखा दिया। प्रॉपर ये है, कोई ना कोई नया नाम दिया जाए ताकि वो यहाँ पे शो करे, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहना चाहता है कि अर्थमेटिक का एक रूल होता है कि अगर आपके एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देता है? मल्टीप्लीकेशन को, इंटीग्रेशन को। यानी कि अगर आपने, आप कहते हैं 500 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 200, तो पहले किसको करके देगा? प्लस की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो वही कहना चाह रहा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टेक प्रायोरिटी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को पहले पढ़ता है, ठीक है। ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी आर अवेलेबल टू फॉर्म दी, अगर मल्टीप्लाई दो दफा आ गए या प्लस दो दफा आ गई या डिवाइड दो दफा आ गई है, वही कह रहे हैं कि ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी आर, वो फिर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट करेंगे। यानी कि यहां से अगर एक आ रहा 500 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले क्या करेगा, पहले 6 जो है वो पहले 500 जरब 6 फिर जरब आ गए, यानी कि लेफ्ट टू राइट आना पड़ेगा। आप अगर ये तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ना ऑरेकल में, कि अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो वो पहले मल्टीप्लाई डिवीजन जो प्रायोरिटी देगा, और वो अगर सेम आ गए तो उसको पहले वो लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी होगी। अच्छा, अब पैरेंथेसिस लगा के क्या कर सकते हैं कि आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं कि पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े। तो पैरेंथेसिस लगा के आप ऑरेकल के अंदर भी लगा सकते हैं पैरेंथेसिस। जैसे यहां पे पहले क्या करेगा, ये जो लिखी एक्सप्रेशन की सैलरी को पहले 12 में जरब खाएगा फिर उसके अंदर प्लस करेगा, तो ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पहले सैलरी में 100 जमा करके मल्टीप्लाई करें फिर रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, तो फिर वो मैं कैसे कह सकता हूं, पैरेंथेसिस लगा के पहले क्या करें, जो भी ये कॉलम है आपके टेबल का कॉलम है, उसको जमा करो, क्या करो, 100 जमा करो, जो जवाब आए फिर उसके साथ जरब लगाए, ठीक है, यूजिंग पैरेंथेसिस। डिफाइनिंग अ नल वैल्यू, नल क्या होता है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी। ये देखिए कहीं पे ना कुछ लिखा नहीं आ रहा, यहां भी कुछ लिखा नहीं आ रहा, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे जहां कुछ लिखा ना हो, वो क्या कहलाएगा, नल। देखिए आपने अक्सर इंटरनेट पे आप डाटा एंट्री करते हैं, इंटरनेट फॉर्म पे कोई सबमिशन फॉर्म होता है फिलअप करते हैं, तो कुछ आप फील्ड खाली छोड़ देते हैं, जिनको खाली छोड़ देते हैं उनमें क्या जा रहा होता है, नल वैल्यू। नल का मतलब ये नहीं कि स्पेस में दे दी इस तरह की, नल का मतलब ये नहीं, ये भी एक स्पेस ले रहा है। नल का मतलब ये नहीं कि जीरो है, नल इज नथिंग, नल इज वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन, इनएप्लीकेबल। नल को आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि वो जीरो या ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो फिगर नजर नहीं आ रही कि नल वैल्यू, और जहां वैल्यू नजर आ रही है नॉट नल, ये सारी क्या है, नॉट नल। जहां नल है वहां नल है, और जहां नल नहीं है वहां पे क्या है, नॉट नल, कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक हो गया। तो ये यहां मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि सैलरी और कमीशन को जमा करके टोटल सैलरी दिखाई जाए। भाई ये तो हर एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है, और जितना वो कमीशन ले रहा है ये वो है, जो सेल्समैन है वही लेते ना कमीशन अपने, ठीक है। जो एम्प्लॉयज है उनकी अपनी सैलरी मिलनी है मंथली, लेकिन कमीशन उनका रहता है, लेकिन कमीशन कौन ले रहे हैं, जो सेल्समैन ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग कमीशन ले रहे हैं और उनकी सैलरी है टोटल जमा होके टोटल सैलरी आए कि उसने पूरे महीने में कितना कमाया, कितना उसके पास आया। सिलेक्ट एम नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, कमीशन, सेल प्लस क्या करूं, कमीशन। हालांकि मैंने एलियस ले लिया, क्या
टोटल सैलरी फ्रॉम एम, टोटल सैलरी आई, जिन लोगों की कमीशन डिफाइंड है उनकी सैलरी में जमा करके टोटल सैलरी आ गई, जिनकी कमीशन डिफाइंड नहीं है यानी कि नल है उसका जवाब भी नहीं आया, क्योंकि ऑरिकल में रूल है कि नल के अंदर आप कोई भी चीज ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नल। आप 800 में क्या ऐड कर रहे हैं, नल, तो जवाब क्या है, नल। आपने ये 2450 में क्या ऐड कर रहे हैं, नल, तो जवाब क्या है, नल। तो नल के साथ कोई भी ऑपरेटर प्रभाव हो, अगर मैं कहता हूँ नल माइनस 100 तो आंसर क्या आएगा, नल। नल मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आंसर आएगा, नल। नल डिवाइडेड बाय 100 आंसर क्या आएगा, नल। नल के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा आंसर क्या आएगा उसका, नल आएगा। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि अर्थमैटिक एक्सप्रेशन के देने का नल वैल्यू अवैल्यूएट टू नल, समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद है डिफाइनिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ कॉलेज क्या होता है कि हेडिंग को रीनेम करने के लिए, ये वहां यूज है जहां पे कैलकुलेशन, जैसे हमने क्या किया कि इनको जमा करके दिखाया, तो ऐसे हमने कैलकुलेशन की ना, तो हमने उसको आगे क्या दे दिया, एलियस दे दिया, ठीक है। तो इज यूजफुल विद कैलकुलेशन, और ये आप क्या कर सकते हैं, हमेशा कॉलम के स्पेस दे के बाद या एस का कीवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपके एलियस के अंदर मल्टीपल वर्डिंग आ रही है तो फिर क्या करें, या फिर स्पेशल फैक्टर आ रही है, या उस एलियस को केस सेंसिटिव बनाना है। अगर मैंने डोर में लिखा तो डोर में लिखा है, तो फिर क्या करें, उसको रिक्वायर डबल कोटेशन, जो मैं लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था आप लोग कि आप क्या करें, उसके शुरू में और आखिर में क्या करें, डबल कोट लगा दें, ठीक है। अगर आपने अपने एलियस को केस सेंसिटिव बनाना है, जैसे उसने एग्जाम्पल दी है, इसको एज ए एलियस लास्ट में तो क्या दिया, एज ए नेम दे दिया, कमीशन परसेंटेज को यहां पर क्या दे दिया, एज ए सिर्फ फॉर्म दे दिया। अब एक और उसने एग्जाम्पल दी एलियस की, ये लास्ट नेम है, उसने एलियस दिया नेम, इसमें जो नेम दिया वो उसमें आया अपर में आया, लेकिन कहता है जैसे मैं लिखूं वैसे ही आया, जैसे ही देखूं वैसे ही आया, फिर क्या करें, डबल कोट। सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एनुअल सैलरी, तो उसने डबल कोट ताकि एज इट इज नजर आए जैसे मैं लिखा, तो डबल कोट साइन। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, अगर आप एक दो कॉलम को दो तीन